चंद्रमुखी की कहानियाँ। हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। ये है रिचा, प्रदीप की पत्नी। सुबह 5 बजे उसका दिन शुरू हो जाता है। घर की साफ सफाई, झाड़ू पोछा, ये सब करने के बाद उसको अपने बच्चे का भी ध्यान रखना पड़ता है। उसको खिलाना, पिलाना, सुलाना, डायपर चेंज करना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ। मैडम दूध। भैया आप कल क्यों नहीं आए? बहुत मुश्किल से मैं मैनेज की हूँ, आगे से ऐसे मत करना और इस महीने का पैसा कल ले लेना। हाँ ठीक है मैडम। रिचा गैस पे दूध चढ़ा ही रही थी कि तभी, बहू तुमने अभी तक एक कप चाय भी नहीं दिया, क्या कर रही हो? अभी लाती हूँ बाबूजी। बहू मेरा खाली पेट का मेडिसिन कहाँ है? पानी भी नहीं रखा है यहाँ पर, एक बॉटल पानी दे जाओ। लाई बाबूजी। रिचा ससुर जी को मेडिसिन और पानी देकर आई, तभी उसका बेटा सोनू नींद से उठ के रोने लगा। जब तक रिचा बच्चे को चुप करके किचन आई, तब तक दूध उबल कर गिर चुका था। रिचा बहुत परेशान हो गई, पर बोले भी तो किसको बोले। बहू ब्रेकफास्ट बना दो जल्दी। जी बाबूजी बना रही हूँ। उपमा बनाना मेरे लिए। जी बाबूजी। रिचा मेरे लिए आलू पराठा बना देना। अच्छा ठीक है। ये रिचा का रोज रोज का काम है, इसकी फरमाइश उसकी फरमाइश पूरी करते करते खाना पीना तो छोड़ो, खुद आराम से बैठकर एक कप चाय भी नहीं पी पाती। अरे रिचा जल्दी ब्रेकफास्ट लाओ, मुझे लेट हो रहा है, आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। अभी लाती हूँ। रिचा जैसे तैसे प्रदीप के लिए आलू पराठा और ससुर जी के लिए उपमा बना के टेबल पे लगा दी। मेरा लंच बॉक्स कहाँ है? तुमसे कभी भी कोई काम टाइम पे नहीं होता। देखो बहू, हमारे बेटे को सही टाइम पे सब कुछ मिल जाना चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, समझी? जी बाबूजी, मैं तो। बहस मत करो, कॉफी लाओ जल्दी। रिचा को काम करते करते फुर्सत ही नहीं मिलती कि वो अपने बारे में भी कभी सोचे, और घर का ये सब काम खत्म करते ही उसका ऑफिस का काम शुरू हो जाता था। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, यस प्रेजेंटेशन इज रेडी सर, अब मैं आपको 5 मिनट में भेजती हूँ। अभी एक बार अच्छे से चेक कर लेती हूँ, कुछ मिस ना हो जाए, फिर भेज दूंगी। बहू मेरा कपड़ा इस्त्री हो गया, मुझे बाहर जाना है। अभी कर देती हूँ बाबूजी। हेलो सर, अभी भेजती हूँ प्रेजेंटेशन, थोड़ा चेक कर रही थी मैं। देखो रिचा, तुम्हारे रिक्वेस्ट पे कंपनी तुम्हें वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन अलॉट की है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका गलत फायदा उठाओ। सर आई एम रियली सॉरी, अभी भेजती हूँ। अब रिचा अकेली किस किस की सुनती। शाम हो गया और पतिदेव भी ऑफिस से आ गए। रिचा रिचा, चाय बना या नहीं? अभी बना देती हूँ। अच्छा सुनो, सोनू रो रहा है बहुत जोर से, आप उसको थोड़ा संभाल लो। क्या, ऑफिस का काम करने के बाद भी बच्चा संभालने का काम मुझे ही करना पड़ेगा? वहाँ पे मैनेजर दिन भर सर खाता रहा, अब तुम मत खाओ, जल्दी से चाय पकौड़ी लाओ। रिचा चाय पकौड़ी बना के ले आई। देखिए मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। घर का इतना सारा काम मैं अकेले करती रहती हूँ, आप भी थोड़ा बहुत मदद कर दीजिए मेरी। क्या, मैं करूँगा घर का काम? ये लड़कियों का काम होता है, और हमारे घर पे लड़के ये सब नहीं करते। पर मैं अकेले कैसे करूँगी सब कुछ, मैं पागल हो जाती हूँ। बचपन से देखा है माँ अकेले सब कुछ कर लेती थी, कभी कोई शिकायत नहीं की, तो तुम क्यों इतना ड्रामा कर रही हो? दिस इज नॉट ड्रामा प्रदीप, आपकी माँ हाउसवाइफ थी,
और तब भी उनको बहुत परेशानी उठानी पड़ती होगी, मुझे पता है। तो तुम्हें कौन बोल रहा है जॉब करने के लिए? मैं तो कमा ही रहा हूँ, तुम जॉब छोड़ दो। आपके सैलरी से हमारे घर का EMI, महीने का खर्चा, ये सब अच्छे से हो जाएगा आई एम श्योर। पर फ्यूचर का भी तो सोचना है ना, सोनू बड़ा हो रहा है, उसका स्कूल फीस, बाबूजी की दवाइयाँ, नए घर का प्लानिंग, ये सब भी तो करना होगा। अगर मैं जॉब छोड़ के बस घर का काम करती रहूंगी तो मेरे एजुकेशन का वैल्यू क्या रह जाएगा? अगर इतनी चिंता है अपने एजुकेशन का और हमारे फ्यूचर का तो रोज रोज मेरे से झगड़ा मत किया करो। सारे औरत घर का काम करते हैं, तुम भी कर रही हो, इसमें कौन सी बड़ी बात है? और वैसे भी घर पे काम होता ही कितना है यार। अब रिचा जितनी भी समझाने की कोशिश की, झगड़ा और बढ़ता गया। महीनों से चलती आ रही इस झगड़े का कोई अंत नहीं था। फिर एक दिन सुबह माँ जी आप अचानक। ये है रिचा की सास, जो पिछले 6 महीनों से अपने बेटी के घर घूमने गए थे और आज अचानक आकर पहुंच गए हैं। बहू मैं ये क्या सुन रही हूँ, तुमसे घर संभला भी नहीं जाता। प्रदीप मुझे रोज फोन करके सारी बातें बताता रहता है, तुम ये नहीं कर पाती वो नहीं कर पाती, क्या है ये सब? हाँ माँ जी मैं तो। तुम्हारे माँ बाप नहीं सिखाए घर कैसे संभालते हैं? हम तो आज तक कभी शिकायत नहीं किए। थोड़ा ज्यादा पढ़ाई कर ली हो और 2-4 पैसा कमा लेती हो इसका मतलब ये नहीं कि सब तुम्हारी सुने। हाँ माँ आप एकदम सही बोल रहे हैं। बहू तुम्हें अब घर से काम करने की कोई जरूरत नहीं, तुम कल से पूरा 1 हफ्ता ऑफिस जाकर काम करोगी और देखना मेरा बेटा कैसे अच्छे से घर का सारा काम संभाल लेता है। वैसे घर पे काम होता ही क्या है? हाँ हाँ घर पे काम होता ही कितना है, मैं सब करके दिखा दूंगा। पर माँ जी। चुप करो, तुम कल से ऑफिस जाओगी बस। अब माँ जी के डिसीजन के मुताबिक रिचा अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो गई। अरे बेटा रिचा ऑफिस निकल रही है, जल्दी से ब्रेकफास्ट ले आओ। ब्रेकफास्ट तो अभी तक बना नहीं माँ, मैं बेबी को खिला रहा था। अच्छा कोई बात नहीं, मैं कैंटीन में खा लूंगी, माँ जी मैं निकलती हूँ। बेटा मुझे 1 कप चाय तो दो। अरे मुझे कोई चाय देगा भी या नहीं, मेरा मेडिसिन कहाँ है? हाँ बाबूजी ला रहा हूँ। अरे यार मैं पागल हो जाऊंगा, सब कुछ एक साथ मैं कैसे करूँ? जैसे तैसे सुबह का टाइम गुजर गया और लंच का समय हो गया। लंच बना या नहीं, मेरा मेडिसिन लेने का टाइम हो गया। बेटा लंच लगा दो जल्दी। माँ इधर उधर का काम देखते देखते सब्जी जल गया, मैं बाहर से खाना ऑर्डर कर देता हूँ। अब प्रदीप बाहर से खाना ऑर्डर करके अपने माँ बाबूजी को खिला दिया और देखते ही देखते शाम हो गई। रिचा भी ऑफिस से घर पहुँची। बहू तुम आ गई, कैसा रहा आज का दिन? हाँ माँ जी बहुत अच्छा। बहुत थक गई होगी, बेटा बहू के लिए 1 गिलास पानी तो ला। जब रिचा घर की चारों तरफ देखी तो एकदम दंग रह गई। सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था, किचन से खाना जलने की बू आ रही थी, बच्चा भी रोए जा रहा था। तभी प्रदीप पानी लेकर आया। बेटा बस पानी लाया है, चाय पकौड़ियाँ भी ले आता। माँ बस करो अब नहीं हो रहा। अरे बेटा घर पे काम ही कितना होता है, ऊपर से तुम आज ऑफिस से छुट्टी भी लिए हो, बहू तो ये सारे काम करने के साथ ऑफिस का काम भी करती है ना। I'm sorry माँ, माफ कर दो। सॉरी मुझे नहीं, अपनी पत्नी से बोलो, अगर पत्नी तुम्हें फिनेंशियली हेल्प कर सकती है तो तुम घर के काम में उसकी मदद क्यों नहीं कर सकते? सारे कामों को अगर पति पत्नी दोनों मिल बांट कर ले तो जिंदगी और भी हसीन बन जाती है। सब मेरी गलती है जो मैंने तुम्हें ये सब बचपन से नहीं सिखाया। उसी दिन से प्रदीप को घर पे कितना काम होता है ये अच्छे से समझ आ गया। अब वो रिचा को थोड़ा बहुत हेल्प कर देता है और घर का काम भी इजीली निपट जाता है। ऑल थैंक्स टू माँ जी, सही टाइम पे अपने बेटे को सही सबक सिखाए कि घर की जिम्मेदारी सबको मिल बांट कर उठानी चाहिए।
आपको चंद्रमुखी की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे अरे अरे, इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार कहानी के साथ। नमस्ते।